भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय विशेष महत्व रखता है, जिसका विवरण हम लोगों ने किया। हिमालय से संबंधित कुछ लघु स्तरीय प्रश्न बनते हैं, जैसे ईस्टर्न हिमालयाज इज इन्वायरमेंटली सेंसिटिव, पूर्वी हिमालय पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि पूर्वी हिमालय कौन है, सेंट्रल हिमालय कौन है और वेस्ट हिमालय पश्चिम हिमालय कौन है। पूरे हिमालय को पश्चिम से पूरब तक तीन भागों में बांटा जाता है। काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है, इसके पश्चिम के हिमालय को पश्चिम हिमालय वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड या गढ़कुम हिमालय आते हैं। सेंट्रल हिमालय के अंतर्गत नेपाल आता है, जिसकी पश्चिमी सीमा काली नदी और पूर्वी सीमा कंचनजंगा और सिंगालीला रेंज जल विभाजक है। और पूर्वी हिमालय इस नेपाल की पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर और पूरब में नामचा बरवा तक या उसके दक्षिण में भी आता है, अर्थात मिजो की पहाड़ियों तक। और पूर्वी हिमालय में दो भाग हैं, एक तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में कोरबा गार्ज से लेकर दक्षिण में मिजोरम की पहाड़ियों तक। कोरबा गार्ज से हिमालय की तीनों शाखाएं दक्षिण मुड़ गई हैं और यह मिजोरम की पहाड़ियों और त्रिपुरा में अथारामूरा श्रेणी तक हैं, जिसे पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। इस तरह से पूर्वी हिमालय में दो भाग हैं, एक सिक्किम और अरुणाचल हिमालय और दूसरा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा अर्थात पूर्वांचल हिमालय। प्रश्न है, ईस्टर्न हिमालय इज इन्वायरमेंटली सेंसिटिव, पूर्वी हिमालय अर्थात सिक्किम और इसके पूरब की हिमालय श्रेणियों का भाग पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है। पर्यावरण के अंतर्गत आता क्या है? स्थलमंडली पर्यावरण, वायुमंडली, जलमंडली, मृदा मंडली, जीव मंडली पर्यावरण। अब आइए देखते हैं कि ये पूर्वी हिमालय किस तरह से संवेदनशील है। स्थलमंडल की दृष्टि से यहाँ पर चट्टाने विभिन्न प्रकार की हैं और यहाँ की चट्टाने संवेदनशील हैं, जिसका कारण है कि स्थलमंडल में ही एक विशेष बिंदु है विवर्तनिकी। विवर्तनिकी दृष्टि से पूर्वी हिमालय संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विवर्तनिकी शक्तियाँ सक्रिय हैं और यही कारण है कि यहाँ पर कभी कभी भूकंप के झटके भी आते रहते हैं। और इस तरह से स्थलमंडल की दृष्टि से यहाँ संवेदनशीलता है। वायुमंडल की दृष्टि से यदि पूर्वी हिमालय को देखा जाए तो यहाँ की जलवायु दशाएँ अनोखी हैं, जैसा कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा इसी पूर्वी हिमालय में चेरापूंजी या मौसिनग्राम मेघालय में होती है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा असम राज्य में होती है, जहाँ पर स्थलमंडल तीन तरफ से एक गुफा जैसी आकृति बनाई हुई है। इस तरह से यहाँ पर अधिक वर्षा होती है और भारत में सबसे अधिक आर्द्रता इसी पूर्वांचल और पूर्वी हिमालय में ही है और इसके फलस्वरूप सबसे अधिक ओस और कुहासा इसी क्षेत्र में मिलता है। इस तरह से यहाँ का तापमान भी साल भर रेगुलर रहता है, नियमित रहता है, ज़्यादा विचलन नहीं होता है, जिसका कारण है इसकी समुद्र से समीपता और सघन जंगल और मृदा में अधिक नमी। इस तरह से यह जलवायु की दृष्टि से भी एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संवेदनशीलता में स्थलमंडली, वायुमंडली और जलमंडली संवेदनशीलता है। जल मंडल की दृष्टि से यह एक संपन्न क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सांपों या ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिवांग, तवांग, लोहित इत्यादि नदियाँ, जिसमें कि साल भर लगभग जल रहता है, जल की पर्याप्तता है।
इस प्रकार यह पूर्वी हिमालय जल की दृष्टि से भी संपन्न है और यह संवेदनशील भी है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न बांध बनाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा संवेदनशीलता है कि सांपो या ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने 3 गार्ज डैम बनाया है, जिससे पूर्वी हिमालय विशेष रूप से असम राज्य में जल के संकट के उत्पन्न होने की संभावना है। इसी तरह से यहाँ पर मृदा मंडलीय संवेदनशीलता भी है, क्योंकि यहाँ असम के प्लेन में मिट्टी जलोढ़ और उपजाऊ है, जबकि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इत्यादि राज्यों में मिट्टी जलोढ़ है, ढलानों पर उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन बरसात के समय में वहाँ पर मृदा अपरदन, मिट्टी का स्खलन और भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। इसलिए यहाँ की मिट्टी यद्यपि उपजाऊ है किंतु वह संवेदनशील है। और इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जैवमंडलीय संवेदनशीलता भी है। यहाँ पर रिच बायोस्फीयर संपन्न जीव मंडल हैं, अर्थात ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक तीनों हिमालय श्रेणियों पर क्रमशः शंक्वाकार वन, मिश्रित वन और पतझड़ वन मिलते हैं, जिसमें वनस्पति प्रजातियों में विविधता है और यहाँ पर जैविक प्रजातियों में भी विविधता है। लेकिन संवेदनशीलता किस बात में है, यहाँ पर मुख्य रूप से जनजातियाँ रहती हैं जो अभी पिछड़ी अवस्था में हैं, इसलिए वह विशेष रूप से झूमिंग कृषि में लगी हुई हैं और झूमिंग कृषि के फलस्वरूप वनों की अंधाधुंध कटाई कर रही हैं, जीवों का आखेट कर रही हैं। इस तरह से यहाँ पर कुछ वन्य प्रजातियाँ वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय जैसी स्थिति में हो रही हैं। इस प्रकार से एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्वी हिमालय में संवेदनशीलता है, किस दृष्टि से, स्थल मंडलीय दृष्टि से, भूकंपीय दृष्टि से, विवर्तनिकी दृष्टि से, जलवायु दृष्टि से, मृदा दृष्टि से और विशेष रूप से बायोस्फेरिक या जीवमंडलीय दृष्टि से। जिस प्रकार से पूर्वी हिमालय में संवेदनशीलता है पर्यावरणीय दृष्टि से, इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिमालय भी संवेदनशील है। इस प्रश्न के उत्तर में आप सबसे पहले पश्चिम हिमालय का सीमांकन करेंगे, उसमें भी उन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत संवेदनशीलता पर प्रकाश डालेंगे, जैसे कि यह स्थल मंडलीय दृष्टि से संवेदनशील है। पश्चिम हिमालय में भी भूकंपीय या विवर्तनिकी घटनाएं होती रहती हैं, भूकंप के झटके आते रहते हैं। स्थल मंडल की दृष्टि से अगर देखें तो पश्चिम हिमालय में भी विशेष रूप से भूस्खलन, मृदास्खलन जैसी घटनाएं होती रहती हैं। और वायुमंडल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर आइस लाइन में अधिक विचलन होता है, जिसका कारण थार के मरुस्थल की समीपता है। और पश्चिम हिमालय में क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं भी होती हैं और यहाँ पर पर्याप्त बारिश और कभी कभी सूखे जैसी स्थिति भी होती है। इस तरह से यह पश्चिम हिमालय स्थलमंडलीय दृश्य से, वायुमंडलीय दृश्य से और इसी तरह से जलमंडलीय और जीवमंडलीय दृश्य से भी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन का विकास और इन पर्वतों पर आर्थिक विकास अधिक हुआ है अपेक्षाकृत पूर्वी हिमालय के। इसलिए यहाँ पर सड़कों का निर्माण, वृक्षों की कटाई, खनन, उद्योगों का विकास, कृषि इत्यादि कारणों से भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता है। दूसरा बिंदु है इन वेस्ट हिमालयाज आइस लाइन फ्लक्चुएट्स मोर देन द ईस्टर्न हिमालयाज। पश्चिम हिमालय में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में हिमरेखा में अधिक विचलन होता है, जबकि पूर्वी हिमालय में विचलन कम होता है। ऐसा क्यों है? यद्यपि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम कर्क रेखा तक लंबवत चमकता है, इसके उत्तर नहीं जाता। यही कारण है कि कर्क रेखा पर विश्व में सबसे अधिक तेज और अधिक ऊंची संवहन तरंगें उठती हैं और राजस्थान से विशेष रूप से गर्म संवहन तरंगें
पर्याप्त ऊंचाई तक जाती हैं, जिससे यहाँ पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिक हो जाती है। लेकिन एक और विशेष बात है कि यहाँ से अर्थात कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव तक जाने पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है, विचलन नहीं होता है, और हिमरेखा क्रमशः उत्तर ध्रुव तक जाने पर नीची होती जाती है, विशेष रूप से आर्कटिक सर्किल पर ही धरती पर आ जाती है। अब इस सेंटेंस के आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर्क रेखा के पास पूर्वी हिमालय है, इसलिए यहाँ पर क्षोभ सीमा अधिक ऊंची होती है और हिमरेखा में ज़्यादा विचलन होना चाहिए। और पश्चिम हिमालय और जम्मू कश्मीर कर्क रेखा से अधिक दूर है, जिसमें हिमरेखा में अधिक विचलन नहीं होना चाहिए, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। पश्चिम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई में अधिक विचलन होता है, जिसका कारण है कि गर्मियों में राजस्थान में थार का डेजर्ट अधिक गर्म हो जाता है, 45 और 48 डिग्री सेल्सियस, जहाँ की गर्म हवाएं संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं और ऊपर फैलती हैं। और जम्मू कश्मीर में ग्रेटर हिमालय पर हिमरेखा को नीचे से पिघला देती हैं, इसलिए यहाँ पर हिमरेखा गर्मियों में अधिक ऊपर चली जाती है, लेकिन शीतकाल में वही थार का डेजर्ट ठंडा हो जाता है। यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अरावली पर माउंट आबू पर तो माइनस में भी हो जाता है। इस तरह से शीतकाल में टेम्परेचर कम होने के कारण बृहद हिमालय पर हिमरेखा नीचे उतर आती है, क्योंकि यहाँ पर शीतकाल में पछुआ विक्षोभ भी उतरते हैं और कम तापमान के कारण हिमरेखा नीचे चली जाती है। यह रहा राजस्थान का प्रभाव जम्मू कश्मीर के बृहद हिमालय की हिमरेखा की ऊंचाई पर। और राजस्थान का बालू, जैसा कि प्राकृतिक रूप से गर्मियों में अधिक गर्म हो जाता है, 45 और 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जाड़ों में वही बालू अधिक ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि हिमरेखा की ऊंचाई जम्मू कश्मीर के बृहद हिमालय पर अधिक गर्मियों में अधिक और जाड़ों में कम हो जाती है, जिससे हिमरेखा की ऊंचाई में पश्चिम हिमालय में विचलन अधिक होता है। इसके विपरीत पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई में विचलन कम होता है, जिसके तीन कारण मुख्य हैं। पहला कारण है कि पूर्वी हिमालय बंगाल की खाड़ी के पास है और बंगाल की खाड़ी की जलराशि अपने पास के तापमान को रेगुलेट करती है, नियमित रखती है, औसत रखती है। वह न तो इस पूर्वी हिमालय के तापमान को गर्मियों में अधिक बढ़ने देती है और हिमरेखा को ऊपर जाने देती है, और न ही जाड़ों में वह पूर्वी हिमालय के तापमान को घटने देती है और हिमरेखा को नीचे आने देती है। यही कारण है पूर्वी हिमालय में ताप के नियमित रहने के फलस्वरूप हिमरेखा की ऊंचाई में अधिक विचलन नहीं होता है। यहाँ दूसरा कारण है कि पूर्वी हिमालय सघन जंगलों से आच्छादित है और सघन जंगल तापमान को नियमित करते हैं, न तो ताप को बढ़ने देते हैं गर्मियों में, न तो सर्दियों में ताप को कम होने देते हैं। और यहाँ पर हिमरेखा के विचलन न होने का मेन कारण तीसरा है, वह है आर्द्रता और जल की प्राप्ति। पूर्वी हिमालय में विभिन्न नदियाँ जैसे दिबांग, दिहांग, लोहित, कोपिली, धनसिरी, ब्रह्मपुत्र, तवांग, इनमें जल की पर्याप्तता रहती है, फलस्वरूप मृदा जल भी पर्याप्त रहता है, मिट्टी संतृप्त रहती है, घाटियाँ नम रहती हैं जो तापमान को नियमित रखती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में तापमान नहीं बढ़ता, जाड़ों में तापमान नहीं घटता, इसलिए पूर्वी हिमालय में या अरुणाचल हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई में विचलन कम होता है। इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर में आप पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई में विचलन में अंतर की व्याख्या कर सकते हैं।
अगला बिंदु है, इन ईस्टर्न हिमालयाज देयर आर मच फॉग एंड ड्यू। पूर्वी हिमालय में फॉग माने कुहासा और ओस अधिक पाया जाता है। समूचे भारत में सबसे अधिक कुहासा और ओस असम हिमालय और पूर्वी हिमालय में मिलती है, न कि अन्य भागों में। इसका एक ही मात्र कारण है कि पूर्वी हिमालय में आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता साल भर अधिक बनी रहती है, जिसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि इस पूर्वी हिमालय की बंगाल की खाड़ी जलराशि से समीपता, और बंगाल की खाड़ी का जल लगभग साल भर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो इस पार्श्ववर्ती भूखंड के तापमान को नियमित या रेगुलर करता है। और जो कुछ भी वाष्पीकरण बंगाल खाड़ी में होता है वह इन पूर्वी राज्यों में पहुंच जाता है, इसलिए पूर्वी राज्यों में जलवाष्प की मात्रा साल भर अधिक रहती है, तापमान औसत रहता है, इसलिए सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है। यहाँ दूसरा कारण है सघन जंगलों से घिरा होना, और सघन जंगल भी वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिससे यहाँ के वायुमंडल में नमी और सापेक्षिक आर्द्रता पर्याप्त होती है। इसी तरह से यहाँ की मिट्टी भी अत्यधिक आर्द्र है, क्योंकि विभिन्न नदियाँ हैं जो जल की आपूर्ति करती हैं, और इसके फलस्वरूप यहाँ पर वायुमंडल में आर्द्रता पर्याप्त रहती है। अगला बिंदु है कि पूर्वी हिमालय में मिट्टी भी आर्द्र जलोढ़ प्रकार की है, जो संतृप्त रहती है, और इसके फलस्वरूप वह वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को पर्याप्त आर्द्रता देती है। अगला बिंदु है यहाँ पर हाइड्रोलॉजी या जलमंडल। जलमंडल में देखें तो यहाँ नदियों की घाटियाँ हैं, निम्न भूभाग हैं, तालाब हैं, जिसमें साल भर जल इकट्ठा रहता है, जो वायुमंडल को जलवाष्प प्रदान करता है। इन सब कारणों से इन पूर्वी राज्यों सेवन सिस्टर्स या आठवीं सिस्टर सिक्किम और पूर्वांचल हिमालय को समेत यहाँ पर वायुमंडल नम रहता है, सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 100% होती है, और पर्याप्त कुहासा और ओस के लिए विशेष रूप से 95% सापेक्षिक आर्द्रता होना जरूरी है, जो यहाँ उपलब्ध है। यही कारण है कि इस पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता 95% से अधिक होने के कारण कुहासा और ओस अधिक पाई जाती है, और उतना अन्य राज्यों में नहीं मिलती है, क्योंकि पश्चिम राज्य विशेष रूप से पंजाब राजस्थान ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पर तापमान अधिक होता है और जल और जलवाष्प की आपूर्ति कम होती है, वायुमंडल शुष्क होता है, इसलिए यहाँ पर कुहासा और ओस कम है। इसी तरह से पश्चिम भारत में भी पश्चिमी घाट पर्वत के पूरब वृक्ष छाया क्षेत्र और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन सबों की स्थिति आंतरिक होने के कारण यहाँ पर जलवाष्प कम, सापेक्षिक आर्द्रता कम, परिणाम स्वरूप ओस और कुहासा की कमी होती है। अगला बिंदु है क्लाउड बर्स्ट अकर्स इन द वेस्ट हिमालयाज। पश्चिम हिमालय में बादल फटने की घटनाएं होती हैं, आप पूर्वी हिमालय में बादल फटने की घटना कम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। बादल फटना क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट, जब किसी पर्वत या श्रेणी या पर्वत की चोटी पर दो विपरीत दिशाओं से जलवाष्पयुक्त हवाएँ आती हैं, तो वह हवाएँ पहाड़ के ढाल के सहारे चढ़ती हैं और पहाड़ की चोटी के ठीक ऊपर आपस में टकराती हैं। वह संतृप्त हवाएँ टकराने के फलस्वरूप बहुत तीव्र आवाज़ करती हैं, जिसको कहा जाता है बादल का फटना। आवाज़ के साथ ही वह मूसलाधार वर्षा करती हैं, जो पहाड़ की चोटी पर तेज धार से वर्षा करती हैं। परिणाम होता है बड़े बड़े भूखंड स्थल भूस्खलन के रूप में नीचे खिसक जाते हैं, जिनसे जनधन की क्षति होती है, और कभी कभी तेज वर्षा से सॉइल इरोजन मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। इस तरह से क्लाउड बर्स्ट बादल फटने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, एक तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरा
उससे भी जरूरी विपरीत दिशाओं से आने वाली जलवाष्पित हवाओं का उन पहाड़ों पर चढ़ना और शीर्ष पर उनका आपस में टकराना। क्लाउड बर्स्ट बादल फटने की घटना पश्चिम में ही क्यों होती है, आइए हम इसको समझते हैं। ग्रीष्मकाल में भारत की दक्षिणी पूर्वी मानसून हवाएं भारत में दो रास्ते से यात्रा करती हैं। एक है अरब सागर की शाखा जो राजस्थान और पंजाब से होती हुई और यहाँ पर शिवालिक से टकराती है हिमाचल प्रदेश में शोलासिंघी रेंज या मैनाक पर्वत से, और यह राजस्थान के ऊपर से गुजरते समय सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और पंजाब के ऊपर से भी लगभग शुष्क ही रहती है, इसमें आर्द्रता कम होती है। लेकिन दूसरी शाखा बे ऑफ बंगाल जो असम राज्य में प्रवेश कर पर्याप्त वर्षा कर इसको पार नहीं कर पाती, क्योंकि हिमालय की गुफा बनाने वाली चोटियाँ उसमें अवरोध पैदा करती हैं। परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी की शाखा जो असम राज्य में जाती है इस पश्चिम की दिशा में मुड़ जाती है। यद्यपि फेरेल के अनुसार उसका दबाव अपने दाहिनी तरफ उत्तरी गोलार्ध में होता है, लेकिन शिवालिक उसको उत्तर नहीं जाने देता अपितु उसको मजबूर करता है पश्चिम आने के लिए, और ये हवाएं शिवालिक के सहारे सहारे पूरब से पश्चिम जो कुछ बरसात मिट्टी नदियों की नमी प्राप्त करती हैं वो पश्चिम जाती हैं। लेकिन यह लगातार पश्चिम जाते हुए यह चली जाती हैं उत्तराखंड की तराई से नमी लेकर और इधर हिमाचल हिमालय तक। हिमाचल हिमालय की दक्षिण शिवालिक श्रेणियाँ जैसे शोलासिंघी रेंज मैनाक पर्वत इन पर टकराहट होती है इस बंगाल की खाड़ी की शाखा और इस अरब सागर की शाखा। दो विपरीत दिशाओं से आने वाली नम हवाएं पहाड़ के शीर्ष पर टकरा कर हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं अधिक होती हैं, जिसे यहां पर स्थानीय रूप से पणगोला भी कहा जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में पश्चिम हिमालय के इस बादल फटने की घटना में स्थानिक परिवर्तन हो रहा है। हाल के वर्षों में यदि बादल फटने की घटनाओं को मानचित्र पर चित्रित करें तो यह घटनाएं पूरब की तरफ खिसक रही हैं, इसलिए आपसे अलग से भी प्रश्न बन सकता है कि पश्चिम हिमालय में बादल फटने की घटनाएं पूरब की तरफ बढ़ रही हैं, अर्थात यह हिमाचल हिमालय से गढ़कुंभ हिमालय और कुमायूं हिमालय अर्थात नैनीताल पिथौरागढ़ की तरफ घटित हो रही हैं। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो असम से नमी लेकर आती है उसमें तो नमी यथावत है, वह अपनी स्पीड से आ रही है, लेकिन हाल के वर्षों में विशेष रूप से इंदिरा नहर के बनने के पश्चात यहाँ पर कुछ भौगोलिक और पर्यावरणीय परिवर्तन हुए हैं। जैसे इंदिरा नहर में जल वायुमंडल को जलवाष्प प्रदान करता है, इंदिरा नहर के आसपास लगे हुए वृक्ष भी वायुमंडल को जलवाष्प प्रदान करते हैं, इंदिरा नहर के किनारे सिंचित क्षेत्र भी वायुमंडल को जलवाष्प प्रदान करते हैं। इस तरह से वायुमंडल इंदिरा नहर के द्वारा पर्याप्त जलवाष्प प्राप्त करता है और वह हवाएं इस नमी को लेकर और अधिक ऊर्जावान या एनर्जेटिक हो जाती हैं, जो तेज स्पीड से चलने के कारण हिमाचल हिमालय के पास आती हैं, लेकिन तब तक पूरब से बंगाल खाड़ी शाखा वहां तक नहीं पहुंची रहती, इसलिए इस लो प्रेशर के लिए ये अरब सागर वाली नम जलवाष्पयुक्त हवाएं इस तरह से शिवालिक के सहारे पूरब मोड़ पर आगे बढ़ती हैं, और यह मिलन टकराहट और क्लाउड बर्स्ट हिमाचल प्रदेश में न होकर अब यह उत्तराखंड हिमालय के शिवालिक श्रेणियों पर हो रहा है। इस तरह से डेटा स्पष्ट करता है कि पश्चिम हिमालय में बादल फटने की घटनाएं पश्चिम से पूरब अर्थात नैनीताल की तरफ बढ़ रही हैं। अगला एक प्रश्न है, इन वेस्ट हिमालयाज
देयर इज नो भाभर एंड तराई। पश्चिम हिमालय में भाभर और तराई नहीं है, लेकिन सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में भाभर और तराई मिलता है। यदि आप हरिद्वार के पश्चिम जाएं हिमांचल हिमालय और कश्मीर हिमालय में, तो यहाँ पर भाभर का अर्थ होता है हिमालय पर्वत से नदियों द्वारा लाए गए गोलास, बड़े या छोटे आकार के, जो कम ढाल पर शिवालिक की तलहटी में जमा हो जाते हैं। यह भाभर शंकुआकार रूप में जमा होते हैं, जिन्हें जलोढ़ शंख, कभी कभी पंखाकार रूप में जमा होते हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है, और दोनों को मिलाकर ड्राई डेल्टा या शुष्क डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि इनका निक्षेप डेल्टा शेप में होता है, लेकिन संरचना बड़े बड़े बोल्डर की होती है। इस तरह से भाभर क्षेत्र में हिमालय से आने वाला जल, छोटी छोटी नदियों का जल लुप्त हो जाता है, लेकिन वह इस भाभर के नीचे नीचे प्रवाहित होकर जब मैदान में आता है तो वहाँ पर बालू का निक्षेप करता है, चिकनी मिट्टी का, जिसको तराई कहा जाता है। किस तरह से भाभर और उसके दक्षिण का पूरा एक अलग सा भूदृश्य होता है, यह रहा भाभर और तराई का मतलब। लेकिन पश्चिम हिमालय में भाभर तराई कम मिलते हैं और पूर्वी हिमालय में अधिक, क्यों? इसका कारण है कि यहाँ पर अरावली पर्वत का उत्थापन या उन्मज्जन हुआ है, और अरावली के ऊपर उठने के फलस्वरूप यह पूरा का पूरा भूखंड अर्थात पश्चिम हिमालय ऊपर उठा, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 350 मीटर की समोच्च रेखा अलग करती है शिवालिक को पंजाब प्लेन से, अर्थात समोच्च रेखा की ऊंचाई यहाँ बढ़ गई है, जिसका कारण है अरावली का ऊपर उठना, और ऊंचाई बढ़ने के फलस्वरूप हिमालय और पंजाब के प्लेन के बीच ढाल कम हो गया है। कम ढाल होता है इसलिए नदियाँ बड़े बड़े बोल्डर को नहीं लुढ़का पाती हैं, फलस्वरूप वह बोल्डर पीछे ही रह जाते हैं, और यहाँ न तो भाभर का निर्माण हुआ न ही तराई का। लेकिन अरावली के कुछ दूर पूर्व अर्थात हरिद्वार के पास में यमुना और गंगा यहाँ पर भाभर और तराई का निर्माण करती हैं, कारण यहाँ पर ढाल खड़ा है, अर्थात मैदान, अर्थात उत्तर प्रदेश के मैदान और शिवालिक के बीच ढाल तीव्र है। यदि आप हरिद्वार में देखें तो वहाँ पर हरि की पौड़ी में बड़े बड़े बोल्डर्स का निक्षेप है, और वहाँ की तराई से देखें तो शिवालिक श्रेणियों के ढाल पर्याप्त खड़े हैं। ऐसे ही यदि पूरब में देखें तो यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल के तराई क्षेत्र से उत्तर में शिवालिक और मिडिल और ग्रेटर तीव्र खड़े ढाल के मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर घाघरा, लिटिल गंडक, गंडक, कोसी गंडक, काली, ये नदियाँ बड़े बड़े बोल्डर को लाकर हिमालय की शिवालिक की तलहटी में जमा कर देती हैं, और यही घटना पूरब में सिक्किम हिमालय के पास भी है, और सिक्किम हिमालय से आने वाली नदी जैसे तीस्ता, यहाँ पर दार्जिलिंग और इसके दक्षिण जलपाईगुड़ी में भी बोल्डर्स का निक्षेप की है, और यहाँ पर भाभर और तराई स्पष्ट रूप से मिलते हैं। पश्चिम हिमालय में हरिद्वार में भाभर के निक्षेप को द्वार कहा जाता है, जबकि सिक्किम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी के पास के निक्षेप को दुआर कहते हैं, DUAR। और जब नदियाँ पहाड़ के अंदर रहती हैं तो उनको घर कहते हैं, GHAR, घार। इस तरह से द्वार और दुआर पूरी एक पेटी है जो भाभर और तराई कहलाती है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि पश्चिम हिमालय में भाभर और तराई की पेटी नगण्य है, जबकि मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय में यह पेटियाँ अस्पष्ट रूप से पाई जाती हैं।